चावल बनने के लिए थोड़े से चावल पहले से ही बचे हुए हैं। ओए बना दे दो ग्लास चावल। बना चुकी हूँ मैं चावल। कन्नू आ गया स्कूल से फिर दोबारा 2 बजे से पहले ही। अभी टाइम दिखाऊं सबको? 1:40 हो रहा है। घर आ गया। पता नहीं कौन से स्कूल जाता है भाई। ऐसा लग रहा है तो झोपड़ी वाले स्कूल में जाता है जो पेड़ के नीचे खड़े होकर पढ़ाते हैं ना। निकली टाइम है। निकली है जो कि चाहे। अब कन्नू जा रहे हैं नहाने। मैं दिखाती हूँ फिर आगे भी। वॉशरूम में कैमरा रख के ये कन्नू कैसे नहाता है। चल कन्नू, चल कन्नू। अब ब्लॉग का टाइटल हो गया कन्नू गया नहाने। कन्नू गया वॉशरूम नहाने। कन्नू की बॉडी दिखाती हूँ मैं। सॉलिड बॉडी। पिटेगा बदतमीज। लॉक करके तो कैमरा भी अंदर जाएगा ना साथ में। वो ऊपर से रिकॉर्ड करूंगी वहां पे ऊपर से। कुकर में सारा पानी खा रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गया इतना पानी। चौदह दूध की प्लेट रख दी है। सारा दूध गिर जाता पानी। आ गया ना के फ्रेश फ्रेश गीले गीले बाल। फ्रिज में झांक रहा है। पापा भी आ गए हैं। क्या इतना सारा है? इतना सारा नहीं है। इतना हाँ तो इसमें दूध मिक्स कर मैं भी खाऊंगी। ये रहता है पता नहीं कितने दिन पुराना। मैं नहीं दूंगा क्या होता है। मैं नहीं दूंगी अपने चावल तेरे को जो मैंने बनाया। ठीक है ठीक है। बन गए छोले चावल मैंने बना दिए इतनी मेहनत से। कुछ आई नहीं टिप्पणी। कुछ आई नहीं टिप्पणी। क्यों चावल तो मैंने बनाया है। अक्षय कुमार ने कार्तिक आर्यन लग रहा था मेरे को। सो मम्मी आ गई शहर से घर एंड मुझे मम्मा बहुत गालियां दे रही हैं। यार मेरी गलती नहीं है मेरी पूरी मैं मान रही हूँ कि ठीक है मेरी गलती है पर ये कुकर की गलती है। कुकर की गलती नहीं है तो पैर को जब चावल लगता था तो पता होना चाहिए ना कि इसमें पानी। अब आप कल खाना बनाओगे आप कल देखना अगर वो सही नहीं माना तो मतलब फिर मेरी गलती है। ठीक है ठीक है मैंने किचन बहुत गंदी करती थी खाती हूँ। ये भी मम्मा ने नीचे पोछा तो मार दिया है बट मैंने उबाली थी मूंगी की दाल जिसमें से कुकर में से सारा पानी निकल के बाहर आ गया येलो येलो ऊपर छत तक हो गया बहुत गंदा। इंतजार में मैम किस किस ने कन्नू को व्लॉग्स में मिस किया कमेंट करके बता दो। कन्नू ने ज्यादा अकड़ आ गई थी बनाते ही था। अबे चलना अच्छा आज ब्लॉग आदिवासी आदिवासी ऑयल का प्रमोशन करने बेंगलोर गया। मम्मा मुझे कह रही है आदिवासी ऑयल मंगा ले और अपने बालों पे लगा। क्या हम आदिवासी का प्रमोशन करने वाले हैं इतना ना बोले। जंगली तो है ही बचपन से दिखाऊं जंगल भाई। पतला होना इतना मुश्किल क्यों होता है। मोटा ऊपर नीचे जाते हैं वो मुझे बोलते रहते हैं सही में बता दे। मैंने कहा भाई पतला वो रोते रहते हैं कहते मोटा होना इतना मुश्किल है ना तुझे तो सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा मोटा होने का मुश्किल है 2 पिज्जा यहाँ से खाओ 2 पिज्जा यहाँ से खाओ मुश्किल है। लड़कों की हड्डियां ज्यादा पतली होती है तो लड़के
हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम करें क्या, यूट्यूब मम्मी बोलती रहती करो करो ताकि हमें आगे पढ़ाई ना करनी पड़े। खुशी खुशी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आजकल, घर बैठी रहती है नौकरी भी नहीं है, भगवान जी कुछ तो करेंगे, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्या पता अभी दो साल बाद हम कहाँ हों। ऐसा गंदे हेट कमेंट्स आएंगे ना कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, 11th क्लास हेट कमेंट्स आएंगे, कॉलेज तो करेगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब आगे का सेशन लेना पड़ेगी पढ़ाई के बाद, क्या मुझे लेके चली जाती है हर जगह, पैसे देते नहीं है इसे, 5000 रुपए पेंडिंग है, 5000 रुपए पेंडिंग। मैंने कुछ मैंने बता कितने देने, अबे चलना है, 1 रुपया नहीं भरा तूने, मेरे 5000 रुपए देने, इसने हर हर जगह ले जाती है शूटिंग करने, कहीं पैसे नहीं देती है। ओह माय गॉड, बेचारा कन्नू पेट भी खराब करा दिया, खाना बेकार खिला के, ना पैसे दे रही ना कुछ के लिए। बीच में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो खाना खा के पता लग जाता है, एक दो बार खा के देख लूंगा। सावन का महीना शुरू हो गया, मन नहीं जाएगा, चल सावन का महीना शुरू हो गया, मंदिर जाएगा, चल आई कि नहीं रिया, 10:45 हो गए घड़ी में, बताओ चलो एक एक करके मैनिफेस्ट करो, हम 2 साल बाद का होंगे, आज का डेट है। मुझे आज से 1 साल बाद देखते हैं हम की गणेश चतुर्थी पे हम कितना कमाएंगे, और गणेश चतुर्थी अगले हफ्ते, और अभी तक हमने कुछ कमाया क्यों नहीं कमाया कुछ यूट्यूब से, वही दूसरी गणेश चतुर्थी आने वाली है उसके बाद। आ गया रिया घर, और देखो डॉक्टर के जेब से क्या क्या निकलता है, ग्लॉस। क्या? हाँ तेजा मैम बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे सचिन है नहीं। मैंगो बाइट्स, गड़ी, चिप्स, सचिन 117 है ये तो डॉक्टर है। अबे जीन्स ट्राई कर रही है जो मैंने मंगाई थी कल, रिया के मत्थे, रिया के मत्थे पे छाप दूँ, इसके मत्थे पे छाप दूँ, तेरा ही तो नाम है, प्राउड फील कर, और क्या मत्थे पे लगा के घूमेंगे, सबको पता है मेट्रो में सबको चलेगा, सब दूर रहेंगे। अरे अपने साथ इंजेक्शन लेके जाएगा मेट्रो में, जो जगह ना था उसको बोलते लगा दूंगी इंजेक्शन। एक वार्ड में पेशेंट थी, उसका लगा लो 3-4 साल का बच्चा था एक, तो मैं उसकी मम्मी को इंजेक्शन लगा रही हूँ, ऐसे देख रहा है बैठ के, तो जब मैं इंजेक्शन लगाती हूँ मैं पूछा, मैंने तुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता कहता, फिर मैंने जब सुई बाहर निकाली, ब्लड खाली करते हो उसमें सैंपल खाली कर देना, तो मैं खाली से मैंने उसके पास, मैंने कहा तेरा भी निकाली।